बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद वजाहत खान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं YouTube और Facebook के लिए वीडियोस बनाता हूं और शेयर करता हूं, ताकि न्यू कमर्स को बाहर के ममालिक में आने जाने और वहां पर ज़िंदगी गुजारने की मालूमात फराहम कर सकूँ और उन्हें कोई दिक्कत महसूस ना हो। वेल फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, आज मैं आपको ये बताऊँगा कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए स्किल्ड रीजनल स्पॉन्सर्ड वीज़ा सब क्लास 475 के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वीज़े के कंटेंट्स बता दूं, जिनका जिक्र मैं आप लोगों से करने वाला हूं। फीचर्स, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन एंड बेनिफिट्स। अब आते हैं इस वीज़े के फीचर्स पर। इस वीज़े के तहत आप काम, तालीम या ज़िंदगी गुजार सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्पेसिफाइड रीजनल एरिया में कम अज़ कम 3 साल, जिसमें से 2 साल ऑस्ट्रेलिया में ज़िंदगी गुजारना और कम से कम 1 साल मतवातर काम करने के बाद आप पीआर के लिए। अब मैं आपको इस वीज़े की एलिजिबिलिटी के बारे में बता। अगर आपको किसी ने ऑस्ट्रेलियन स्टेट या टेरिटरी या गवर्नमेंट या स्पॉन्सर किया हो किसी रिश्तेदार ने पार्टिसिपेशन के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर हो और उसने आपको नॉमिनेट किया हो, तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मुद्दत 3 साल होती है। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ। 3 साल के लिए स्पेसिफाइड रीजनल एरिया में आप रह सकते हैं, साथ फैमिली मेंबर्स को ला सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में तालीम और काम कर सकती है। एलिजिबल होने के बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो से मुतालिक अगर कोई जो मैंने आपसे ज़िक्र नहीं किया हो इस वीडियो में और आपके जहन में सवाल आया है, तो बिला हिचकिचाहट यानी हेसिटेट के कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब और आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आपके लाइक का, सब्सक्रिप्शन का, नोटिफिकेशन का और कमेंट का मैं मुंतज़िर रहूँगा। दोबारा मिलता हूँ अगली बार नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।